नेक्स्ट वी हैव हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। अपने पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक बल्ब लगाया हुआ है हमने बैटरी के अक्रॉस, करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली ग्लो कर रहा है। आपने देखा होगा जब बल्ब के आसपास आप हाथ लगाओगे बल्ब ग्लो कर रहा है तो हमें कुछ हीटिंग इफेक्ट महसूस होता है कि जो बल्ब है वो हीट एनर्जी दे रहा है। एक्चुअली वो हीट एनर्जी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द बल्ब। इसको मैं अगर सर्किट डायग्राम में बनाऊं तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है टर्मिनल्स के बीच में, अब देखिए करंट कैसे फ्लो करता है, जब चार्ज फ्लो करे, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ से। पोटेंशियल अपने पास होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट चार्ज, कितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज को मूव कराने में। तो वर्क डन किसके इक्वल आया? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये वर्क डन कहाँ से हुआ? अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी एनालाइज करें, ये जो वर्क डन हुआ है चार्ज को मूव कराने में, ये सारी एनर्जी कहाँ से आई? फ्रॉम द बैटरी, बिकॉज बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ई किसके इक्वल आया अपने पास? ये जो एनर्जी है इसको हम यू सिंबल से लिख देते हैं। यू किसके इक्वल है? क्यू इंटू वी के इक्वल है ये अपने पास। नेक्स्ट देखिए कि जो अपने पास चार्ज होता है, चार्ज करंट की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अपने पास क्यू किसके इक्वल है? आई इंटू टी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यू, जो किसके इक्वल है? क्यू इंटू वी के। क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? आई इंटू टी इंटू वी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम फॉर विच द चार्ज इज फ्लोइंग, वी इंटू आई इंटू टी। एक फार्मूला अपने पास ये हो गया। अब देखिए वी किसके इक्वल होता है? आई इंटू आर के, आर इक्विवेलेंट। तो I इंटू आर, और ये एक I पहले से लिखा हुआ है तो एक नया फार्मूला और क्या आ गया? आई स्केयर आर इंटू टी। ये अपने पास दूसरा फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तीसरा फार्मूला देखिए कि हम क्योंकि लिखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो यहाँ से I किसके इक्वल हुआ? V बाई आर के। तो अगर मैं इस फार्मूला में आई की जगह क्या पुट कर दूं? वी बाई आर का स्केयर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ से देखिए वी स्केयर बाई आर स्केयर इंटू आर इंटू टी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नया फार्मूला क्या आ गया? वी स्केयर बाई आर इंटू टी। तो ये अपने पास तीन फार्मूलाज हो गए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट करने के। वो डिपेंड करेगा कौन से पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं, हम उन्हीं को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन, अपने पास एक कह रहे कि ए 3 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 5 ओम रेजिस्टर, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन 5 सेकेंड्स। देखिए हमें गिवन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 3, रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम, टी गिवन है 5 सेकेंड। तो V, R और T किस फार्मूले में? इसमें देखिए V स्केयर बाई R इंटू टी। तो डायरेक्टली इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए, V स्केयर मतलब 3 का स्केयर अपॉन R इंटू टी। R की वैल्यू कितनी है अपने पास? 5। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा?
9 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी। नेक्स्ट अपने पास इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर सिंबल है इसका पी। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड। रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम। तो पावर होता है अपने पास एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी के अपने पास तीन फार्मूलाज थे, वी आई टी, आई स्केयर आर इंटू टी, वी स्केयर बाई आर इंटू टी। तो पावर के भी अपने पास तीन फार्मूलाज होंगे। अगर पहला फार्मूला यूज़ करेंगे वी आई टी अपॉन टी, तो पावर का पहला फार्मूला क्या आएगा, वी इंटू आई। दूसरा फार्मूला क्या आएगा अपने पास, अगर हम यूज़ करेंगे आई स्केयर आर इंटू टी अपॉन टी, तो पावर का नया फार्मूला आएगा आई स्केयर इंटू आर। थर्ड फार्मूला क्या आएगा, वी स्केयर बाई आर इंटू टी अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल, तो थर्ड फार्मूला क्या आएगा, वी स्केयर बाई आर। तो इलेक्ट्रिकल पावर के भी अपने पास ये तीन फार्मूलाज। पावर का यूनिट होता है अपने पास वॉट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, और इसको हम डब्ल्यू से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे 10 वॉट लिखना है, तो 10 और साथ में कैपिटल डब्ल्यू।